अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब बुलाएगा कश्मीर, CAA और NRC पर मुस्लिम देशों की मीटिंग। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब की कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाने की योजना है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया है कि इसकी जानकारी खुद सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने गुरुवार को विदेश कार्यालय में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर दी है। अखबार में बताया गया है कि प्रिंस फैसल एक दिन की पाकिस्तान यात्रा पर थे, जिसमें खाड़ी देशों के आरक्षण के मद्देनजर मुस्लिम राष्ट्रों के हाल की में आयोजित कुआला लंपुर शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया गया था। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने कश्मीर के कारण की उन्नति में OIC की भूमिका पर चर्चा की। कुरैशी ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के कदम के बाद कश्मीर में स्थिति पर प्रिंस फैसल को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर और भारत में अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित लक्ष्यीकरण के संबंध में भारत सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। दोस्तों आपको बता दें कि OIC पाकिस्तान सहित मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का 57 सदस्य समूह है। यह संगठन आमतौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और अक्सर कश्मीर मुद्दों पर इस्लामाबाद के साथ पक्ष रहता है। एक संक्षिप्त बयान में पिछले हफ्ते OIC ने कहा है कि हम भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक को प्रभावित करने वाले हाल के घटनाक्रमों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। प्रिंस फैसल ने प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी, विदेश सचिव सुहेल महमूद, जासूसी एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल भुगतान संकट के संचुलन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री खान की सरकार को वित्तीय सहायता दी है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।